रेड के चक्कर में क्या तुम भी भूल गए थे कि वन पीस का चैप्टर 1062 आ चुका है? मैं तो भूल गया था, बट फिर याद भी आ गया। एंड जैसे याद आया, रिकॉर्डिंग चालू। बातें बतियाएंगे ऑन दिस चैप्टर आफ्टर दिस ब्लैंड इंट्रो। लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट बॉनी एंड कुमा। इस चैप्टर में बॉनी ने अपना रिलेशनशिप विद कुमा बताया है। अपेरेंटली कुमा इज़ हर फादर। बायोलॉजिकल फादर है कि नहीं पता नहीं, बट फादर है, विच मीन्स कि बॉनी एक प्रिंसेस है, सिंस कुमा कोई तो किंगडम का किंग था। दिस एक्सप्लेन्स कि क्यों अकाइनू ने बॉनी को जाने दिया था, इवन दो ही हेट्स पायरेट्स सो मच। अब बॉनी का मेन मोटिव एगहेड में आने का, जैसा सब गेस कर रहे थे वैसा ही है, कुमा को ठीक करने के लिए। वेगापंक ज़रूरी है बॉनी के लिए। आई थिंक ये चीज़ बॉनी को साबो ने करने बोला है, क्योंकि बॉनी ने इस चैप्टर में बोला है कि उसने साबो से मिला था रेवरी में, तो चांसेस है कि साबो ने ही बॉनी को बोला कि एगहेड में जाके वेगापंक से मिल और कुमा को वापस कुमा बनाने का तरीका जान। अब बॉनी कब लूफी को साबो के बारे में बताएगी, ये मुझे जानना है। एंड अगर बॉनी को पता है कि कोबरा को किसी और ने मारा है, तो इसको सुन के लूफी तो मस्त खुश हो जाएगा। एंड शायद हमें ये भी पता चल जाएगा कि कोबरा को एग्जैक्टली किसने मारा है, मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं मारा है ऑब्वियसली, बट वर्ल्ड गवर्नमेंट में से किसने मारा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेगापंक। एंड एज एक्सपेक्टेड ये बिग टीटी गर्ल वेगापंक नहीं है, लेकिन ये वेगापंक है भी। CP0 वालों ने बताया है कि वेगापंक ने खुद को 6 लोगों में स्प्लिट कर लिया है ताकि वो एक टाइम पर हद काम कर सके। मतलब ये 6 सैटेलाइट्स वेगापंक ही है। ये थोड़ा सा ना पेन के नरूटो के पेन से सिमिलर है, बट उधर पर नागाटो चीचा रॉड रोड डाल के 6 बॉडीज़ को कंट्रोल कर रहे थे, इधर थोड़ा अलग है। इधर पर वेगापंक ने खुद को ही 6 बॉडीज़ में स्प्लिट कर लिया है। ऐसा नहीं है कि वेगापंक इन 6 बॉडीज़ को कंट्रोल कर रहा है अलग से। वॉट आई थिंक इज कि वेगापंक ने अपने 6 अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के अकॉर्डिंग खुद को स्प्लिट किया है। एक मिनट, पर्सनैलिटी बोला सही रहेगा क्या? इस पिक्चर में एज यू कैन सी कि पंक 1 के नीचे लॉजिक लिखा है, एंड उसको सुन के भी लगा कि वो काफ़ी लॉजिकल है। पंक 2 के नीचे ईविल लिखा है, एंड हमारी बिग टीटी गर्ल चोर हरकत करते हुए दिखी है। पंक 5 के नीचे रैथ लिखा है, एंड ये लोली गर्ल गुस्सा करते हुए ही दिखी है। वॉट आई थिंक इसकी ये 6 के 6 फीलिंग या फिर जो भी बोलते हैं, ये शायद सारे एक्चुअल वेगापंक में भी है। मतलब एक्चुअल में वेगापंक लॉजिकल भी है, हरामी भी है, जुगाड़ू भी है, अच्छा भी है, गुस्से वाला भी है, और डिज़ायर भी है लौंडे को। इसलिए इन सारे 6 के 6 सैटेलाइट्स को मार के ही वेगापंक को कम्प्लीटली मारा जा सकता है। मुझे ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, एंड आई एम हैप्पी कि ये एकदम पेन जैसा ही कॉपी पेस्ट नहीं है, अच्छी बात है। डिफरेंट पर्सोना के वेगापंक स्ट्रॉ हैट के सामने अपीयर होते हुए दिखेंगे आई एम श्योर, एंड अलग अलग हरकतें करेंगे सबके सब, एंड क्या पता एक दूसरे से भिड़ने भी बैठ जाए, क्या पता भाई, इतने अलग जो हैं ये एक दूसरे से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट CP0। CP0 आ रही है एग हेड इन 6 वेगापंक्स को मारने। क्या तुमने एक चीज़ ध्यान दिया, इस शिप में जो वर्ल्ड गवर्नमेंट का फ्लैग है, ये अजीब नहीं है? ब्लैक फ्लैग शायद हमें पहली बार देखने को मिल रहा है। मतलब अभी तक तो भाई वो वाइट फ्लैग था ना, एंड उसमें नीला कलर का लोगो, बट ये ब्लैक है, पहली बार ऐसा देखने मिल रहा है। वेल, लुच्ची स्टसी और काकू आ रहे हैं एग हेड। तीनों का काफ़ी अच्छा हिस्ट्री रहा है स्ट्रॉ हैट्स के साथ, स्पेशली लुच्ची और काकू का। अब ये क्यों वेगापंक को मारना चाहते हैं? लुच्ची के बातों को सुन के तो ऐसा लगा कि लुलुशिया वाले कांड से रिलेटेड कुछ रीज़न है। क्या वेगापंक यूरेनस जैसा कुछ बना रहा है क्या? क्या पता भाई। वेल, डिसीजन इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि SSG तो ऑलरेडी दे दिया है ना वेगापंक ने वर्ल्ड गवर्नमेंट को, अब उसका काम ही क्या बचा है भाई, अब तो वो यूज़लेस है ना वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए शायद से। SSG से ज़्यादा है कि कुमा वाला सेराफिम भी दिखा है इस चैप्टर में हमें, एंड वो भी एगहेड जा रहा है इन्हीं के साथ। भाई मैं बता रहा, बॉनी को ट्रॉमा देगी भाई हरामखोर वर्ल्ड गवर्नमेंट। आई वंडर भाई इन्होंने कुमा वाले सेराफिम को प्रॉब्लम चाइल्ड क्यों बोला, लेकिन क्या दिक्कत क्या है भाई, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट। इसके अलावा हमें एक लूफी का निका वाला पैनल दिखा है लमाओ, एंड मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था वेगापंक के टेक्नोलॉजी से, उससे तो ज़्यादा ही दिख गया बे। लाइक भाई होलोग्राम्स देखने मिल गया, मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं किया था। और लोली वेगापंक ने तो भाई होलोग्राम को कोई सा ग्लव पहन के पंच भी कर दिया भाई। वेगापंक्स टेक्नोलॉजी इज इनसेन भाई। पता है इस चैप्टर का बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि फाइनली स्ट्रॉ हैट्स को वो रिकॉग्निशन मिला जो वो डिज़र्व करते हैं। अभी तक कैसा था कि जब भी ये लोग कोई नया आइलैंड में जाते थे ना, इनको कोई फुसकी समझ के एम्बुश कर देता था,
बट अब जब स्ट्रॉ हैट पायरेट्स योंको क्रू बन गई है, एनिमीज का अवेयर होना ज़रूरी हो गया है। पंक वन ने जिस वे में पंक टू को जोरो और रॉबिन के बारे में बताया ना भाई, डैम इट वॉज इनक्रेडिबल। इट मेड पंक टू रियलाइज कि अगर वो कुछ नाइव हरकत करती तो बटर जैसे कट जाती बीच से, जैसे मोनेट कटी थी। एंड वॉट एग्जैक्टली डज जोरो वॉन्ट्स फ्रॉम वेगा पंक? क्या उसको अपने स्वॉर्ड के लिए कुछ टेक्नोलॉजी या फिर डेल फ्रूट चाहिए? मे बी, या मे बी ये वो सिंथ रिपर या फिर वो जो शिनिगामी सा जो भी था डेथ वाला ग्रीम रिपर जो था उससे रिलेटेड कुछ है, पता नहीं। क्या जोरो चाहता है? आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट टू। लूफी का निका वाला पैनल शायद से एक हिंट है ये दिखाने के लिए कि अभी भी लूफी अपने अवेकनिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके अलावा शायद चैप्टर में कुछ और दिखा नहीं है। हाँ, लूफी लोग बॉनी लोग खाते ठूसते हुए दिखे हैं भाई, हाँ, बस और कुछ तो दिखा नहीं है शायद। आई एम टेलिंग यू, ये दोनों मस्त डुओ बनने वाले हैं भाई, भुक्कर डुओ बता रहा भाई। बहुत लेम एस बात किया मैं, बट या भुक्कर डुओ भाई बनने वाले हैं, मैं बता रहा। एंड आई गेस दैट्स इट। बाय द वे, ध्यान दिया कि वेगापंक ने अपने सैटेलाइट्स का नाम एडिसन और पाइथागोरस के नाम पर रखा है। लमाओ। वैसे अगर इन्हें सैटेलाइट्स बोला जाता है तो फिर तो इन सैटेलाइट्स को चलाने के लिए एक प्राइमरी सोर्स भी तो होना चाहिए ना यार। दिस इज़ अ बिट कन्फ्यूजिंग भाई। क्या ये भी पेन जैसा ही है क्या कि एक अलग सा वेगापंक है जो 6 सैटेलाइट्स को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा कुछ सीन है क्या? पता है ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। वेल, इस टॉपिक पे मन किया तो मैं एक अलग से वीडियो बना देगा, ठीक है? लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, 8K होने वाला है, एंड बेल आइकन भी दबा दो ताकि तुम मुझे व्यूज़ देख सको टाइम पर। एंड अब नेक्स्ट वीडियो वहाँ सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।